भगवान बुद्ध नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जो लोग बुद्ध के बारे में जानते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, या बुद्ध की मेडिटेशन की, साधना की, तप की, विपसना की प्रैक्टिस नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, या उनके शब्दों का सही मतलब नहीं जानते, उनको हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि बुद्ध नास्तिक हैं या आस्तिक हैं। दरअसल बुद्ध की जो विचारधारा है वो बहुत ही अलग तरह की विचारधारा है, इसलिए सारी दुनिया में एक्सेप्ट की जाती है और सारी दुनिया मानती है। इस वीडियो के अंत तक आप खुद समझ जाएंगे कि बुद्ध हैं क्या। दरअसल पहले आप ये समझें कि जो आस्तिक है उसका मतलब क्या है और क्या होता है, पाली में क्या है। अथि का मतलब होता है, यानी जो चीज़ है, जैसे हम है कहते हैं मैं हूँ, अथि यानी कि जो अथि है, अथि का मतलब होता है कि है। इस अथि को अस्थि किया गया और अस्थि को आस्तिक बनाया गया, यानी कि जो चीज़ होती है उसको आस्तिक कहने लगे, तो इसको जोड़ दिया लोगों ने ईश्वर से, गॉड से, भगवान से, ऐसी किसी चीज़ से जो चमत्कारी चीज़ है। तो वो सवाल सीधा वहाँ करते हैं कि गॉड है या गॉड नहीं है, यानी कि आस्तिक जो मानते हैं उनको मानते हैं जो ये कहते हैं, ये मानते हैं कि दुनिया में गॉड है। अब अपने आप के होने को वो आस्तिक नहीं मानते, यानी यहाँ जो पाली के अंदर है आस्तिक उसको माना जाता है, जो चीज़ है, जो चीज़ दिखाई दे रही है वो आस्तिक है, यानी कि जो फिजिकल चीज़ है, जिसका आपको वजन दिखाई दे रहा है, जिसका आपको महसूस होता है, जिसका आपको आयतन दिखाई देता है, वॉल्यूम दिखाई देता है, जो आपको महसूस होती है, जो सुनी जा सकती है, जो देखी जा सकती है, वो चीज़ भौतिक चीज़ में आती है, फिजिकल चीज़ में आती है, इसका मतलब वो आस्तिक है। और नत्थि का मतलब होता है पाली के अंदर नहीं, यानी कि नहीं। यहाँ नत्थि का, नत्थि से लोगों ने नास्तिक बना दिया, और नास्तिक बनाया इस मामले में कि जो लोग गॉड को नहीं मानते हैं वो नास्तिक हो गए। दरअसल जो चीज़ नहीं है वो नत्थि होती है, तो नत्थि और अत्थि का मतलब है नास्तिक और आस्तिक। ये पाली में सिंपल है, इसका गॉड से कोई लेन देन पाली में है नहीं। बुद्ध के पास में बहुत सारे लोग आते थे जो गॉड को मानने वाले लोग होते थे, जो ये मानते थे कि दुनिया में एक ऐसी कोई शक्ति है जिसने सारी चीज़ों की रचना की है। ये कंसेप्ट भारत का नहीं है, क्योंकि भारत में पक्ति की, नेचर की, प्रकृति की बात होती थी, यहाँ कभी किसी के माइंड में, मन में ये बात नहीं आई कि इसको बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला या आकाश को बनाने वाला या पूरे यूनिवर्स को बनाने वाला या हमको बनाने वाला कोई है। जो लोग अथि हैं, जो लोग यकीन करते हैं, जो बाहर से आए, जो बमण हैं, वो इस परिकल्पना को लेके आए कि इसको बनाने वाला कोई है, और इसी को लेके वो बुद्ध के पास में बार 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 प्रश्न करके आते थे, पृथ्वी किसने बनाई है, दुनिया किसने बनाई है, ये लोग परलोक किसने बनाए हैं, ये सारी चीज़ें किसने बनाए हैं। और वो ये भी जो दिया करते थे कि भाई किसी ने तो बनाया है। ऐसे लोगों को बुद्ध ने कभी कोई जवाब दिया नहीं, क्योंकि बुद्ध सम्मासम अच्छी तरह से बोधि प्राप्त किए हुए थे और पूरा वो जानते थे। वो जानते थे कि अगर मैं ना करूँगा तो सवाल उठेंगे, नहीं है तो क्यों नहीं है, अरे ये चीज़ है तो, ये चीज़ है तो किसी ने बनाई होगी, ऐसा है तो ऐसी होगी, और अगर वो हाँ करेंगे तो ये बताना पड़ेगा कि ये कैसे बनी, कैसे नहीं बनी, किसने बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई, दोनों ही चीज़ों का कोई आंसर, कोई मतलब है नहीं। तो ऐसे सवालों पे वो हमेशा चुप रहते थे, जिनका कोई आंसर होता नहीं था। दरअसल बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम अगर गॉड को मानते हैं तो तुम भी मानो। अच्छा, ये पेड़ किसी ने तो बनाया होगा, इसका बनाने वाला कोई है, तो इसका जवाब डॉक्टर ने किताब में दिया हुआ है। वो कहते हैं कि भाई अगर ये पेड़ को बनाने वाला कोई है, एक सेकंड को इसको मान लेते हैं, तो ये बताओ कि उसको बनाने वाला कौन है, और अगर उसको बनाने वाला भी कोई और है तो फिर ये बताओ कि फिर उसको बनाने वाला कौन है। यानी एक एंडलेस, एक अंतहीन चैन है कि आप आखिर तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुँचना चाहते हैं, या आखिरी कोई ऐसी चीज़ है जो कुछ ऐसा है जो पैदा करती है, तो वो है कौन और उसको किसने बनाया है, इसका जवाब दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। इसलिए बुद्ध ने कभी ऐसे किसी प्रश्न का कोई आंसर किया ही नहीं। इसलिए लोग जो कहते हैं कि बुद्ध आस्तिक हैं, वो अपनी मर्जी से बोलते हैं। जो ये कहते हैं कि बुद्ध नास्तिक हैं, वो भी अपनी मर्जी से बोलते हैं। बुद्ध ने कभी कुछ नहीं कहा।
मगर बुद्ध वास्तविक हैं, यानी रियलिटी में हैं, वो प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं। तो बुद्ध ना आस्तिक हैं ना बुद्ध नास्तिक हैं, बुद्ध हैं वत्थु वाले। वत्थु वाने यानी कि जो चीज़ें सामने हैं, जो चल रही हैं, जो घटना है, जो कॉज है, जो कारण है, जो परिणाम है, जो रिजल्ट आने हैं, जो चीज़ें बदल रही हैं, जो लगातार चल रही हैं, वो कैसे काम करती हैं, कैसे काम नहीं करती हैं, ये वास्तविकता है, ये रियलिटी है, ये प्रेजेंट में रहने वाली बात है। तो बुद्ध ना नास्तिक हैं ना आस्तिक हैं, बुद्ध वास्तविक हैं, प्रेजेंट में रहने वाले हैं। और उन्होंने हमें हमेशा कहा है कि मैं हमेशा पशुपन्ना में, यानी प्रत्युत्पन्न जो चीज़ें होती हैं उनमें रहता हूँ, और मैं भी लगातार प्रत्युत्पन्न होता रह जाता हूँ। पशुपन्ना है, वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। इसलिए इस बहस का फ़ायदा ये तो हो सकता है कि लोग अपनी वीडियो चलाने के लिए, लोग अपने को सुप्रीम करने के लिए, या लोग बुद्ध को अपने पाले में डालने के लिए, या बुद्ध से कोई दुश्मनी निकालने के लिए, या बुद्ध को डिफेम करने के लिए, या बुद्ध की फ़िलॉसफी को ख़राब करने के लिए, या बुद्ध की जितने विचार हैं उनको तोड़ने मरोड़ने के लिए एक ठप्पा लगाते रहते हैं। बुद्ध नास्तिक हैं, बुद्ध आस्तिक हैं, बुद्ध नास्तिक हैं, बुद्ध आस्तिक हैं, ना बुद्ध नास्तिक हैं, ना बुद्ध आस्तिक हैं, बुद्ध वास्तविक हैं। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Good time.